Feliz invitado. Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आप एडिट करो जल्दी यार. भारत माता की जय. देखिए ये कोरोना वायरस, उससे संक्रमण से बचने के लिए पूरा देश आज एकजुट होकर के लड़ने के लिए इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए उतरा और पूरे देश में कमोबेश सब जगह पर जनता कर्फ्यू लागू रहा. यह जनता का कर्फ्यू केयर फॉर यू हो गया कर्फ्यू की बजाय और जनता ने इसको भरपूर समर्थन दिया और पूरा शहर, पूरा राजस्थान और पूरा देश सुनसान रहा. इसी प्रकार मोदी जी ने एक आग्रह किया था कि इस कोरोना वायरस संक्रमण, इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे सेना के जवान, डॉक्टर्स, नर्सेस, सरकारी कर्मचारी और पुलिस के जवान जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी को रोकने में लगे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनको कृतज्ञता उनके प्रति दिखाने के लिए 5 मिनट के लिए हम थाली बजाकर, ताली बजाकर, ढोल बजाकर, घंटी बजाकर
उनके प्रति हमारा सम्मान प्रकट करें। और जनता ने इसको बहुत सराहा और अभी आपके सामने हमारे यहाँ पर भी जनता सड़क पे निकल कर आई, जनता अपने खिड़कियों में अपने घरों के बाहर निकल कर के आई, उन्होंने थालियाँ बजाई, ढोल बजाया और हमारे लिए लड़ने वाले इन सेवकों को समर्थन दिया, अपनी कृतज्ञता अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो हमारे लिए निष्ठा भाव से रहे वहाँ पर रहे, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए जैसे कि मोदी जी ने हमें संदेश दिया कि उन्हें धन्यवाद देना है, तो धन्यवाद के स्वरूप ही हम शंखनाद ढोल बजा कर जो थाली पीट कर बजा करके ही उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जी आपका नाम? पायल गुरनानी। कॉलोनी वालों ने कि सभी लोगों ने मिल करके आज ये WHO की तरफ से जो महामारी घोषित हुई कोरोना वायरस, इसके लिए हम सभी ने हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके आदेशानुसार इस जो महामारी का मुकाबला करने के लिए संकट की घड़ी में जो लोग हमारे साथ हैं, जो साथ दे रहे हैं कठिन परिस्थितियों में भी, जो लोग हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं, उनके लिए सभी लोगों ने मिलकर के आज हमने उनके आदेशानुसार 5 मिनट के लिए आदेश का पालन किया, आदेश का पालन। आपका नाम? उनको एक हमारी तरफ से जानते हैं अपने देश कोरोना वायरस संक्रमित है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं और हमारे देश के डॉक्टर सभी लोग इसको सही करने में लगे हुए हैं और सब अपनी पूरी मेहनत करके उसमें लगे हुए हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको धैर्य बढ़ाने के लिए और उनके कार्य का सम्मान करने के लिए हम थाली बजा के ढोल बजा के गाना बजा के हम उनका सम्मानित करते हैं। और लोग वह घरों में हैं, घर में पूरे पूरे दिन रहते हैं, जिससे उनका खुद का भी एक वो है, एंटरटेनमेंट है, वो तनाव में नहीं रहे, उनका भी माइंड थोड़ा फ्रेश रहे, ये करने के लिए हम थाली बजा के हम सबको वो करने सबको प्रोत्साहित करते हैं उन डॉक्टरों को, ताकि कोरोना वायरस जो है उससे दूर हो और लोग सुरक्षित हों वापस, और सभी लोग सुरक्षित हैं, कोरोना वायरस जल्द से ख़त्म हो, लोग वापस रोजगार पर अपने आए काम कार्य पर। सौरभ जैन। मैं आज पूरे भारतवर्ष को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस वायरस को हमें जड़ से मिटाना है, हमें हिम्मत नहीं आनी है, इस घंटी से ये संदेश दिया जा रहा है कि जागो और सुनो कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, इस शंखनाद को बजाना है, ऐसा शंखनाद जो हमारे परम पिता परमेश्वर तक पहुँचे और उस परम पिता परमेश्वर में इतनी शक्ति होती है कि चाहे कैसा का कैसा वायरस हो, ऐसा ना कैसा हर तरह का वायरस मिट जाएगा। इस भगवान को हम मानते हैं, ये भारत की जन्मभूमि है, भारत में भारत इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं, सभी लोग भगवान पर सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी भक्ति दिखाते हैं और मुझे पता है कि इस भारत देश में इतनी भक्ति होने के बाद ये वायरस आज नहीं तो कल जड़ से मिट जाएगा। हमारे गुरुवर ने एक मंत्र दिया, हमारे विद्यासागर जी महाराज जी ने जो गुरुवर ने मंत्र दिया है, ओम ह्रीम आरम असी अवसाना सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र का हम जाप कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस पूरे विश्व में से इस पूरे विश्व में से इस कोरोना वायरस को मिटा दीजिए। बहुत बहुत शिष्य को जी, मैं अनित जैन उर्फ छोटू। मोदी जी ने ये कहा था कि अपनी देश की जो सेवा है, जो सैनिक हैं, डॉक्टर हैं और जो भी अपने पुलिस वाले हैं, जो अपनी सेवा कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए और इस वायरस को दूर भगाने के लिए खुशी के माहौल में ताली बजाना, साउंड बजाना, घंटी बजाना, ध्वनि बजाना और खुश रहना, इस उद्देश्य से हम ये तैयारी में लगे हुए हैं सुबह से कि कब 5:05 बजे और हम अपनी खिड़की में, अपनी बालकनी में आकर ये खुशी मनाएं सबके साथ। हमारा ये उद्देश्य है कि ये वायरस से जल्द मुक्ति मिले, इससे छुटकारा मिले, जिससे गरीबों को रोज़गार जो बंद हो रहा है वो ना हो और जो दुखी है भाग रहे हैं, उधर परेशान कर रहे हैं, हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है, इसमें सबर रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने घर पर रहना पड़ेगा और जो भी अपने बचने के उपाय हैं वो अपने करने पड़ेंगे। आपका नाम? अनित जैन उर्फ छोटू जैन। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें।
ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।